1947 के पार्टीशन। इस पार्टीशन में वो लोग जो सिर्फ बिजनेस के लिए गुजरात में बसे हुए थे, उन्होंने ये प्रेफर किया कि वो गुजरात से माइग्रेट कर जाए, क्योंकि पाकिस्तान उनके लिए नज़दीक था और इस हिंदू डोमिनेटेड स्टेट में रहना उन्हें लगा कि हमारे लिए मुश्किल साबित होगा। इस पार्टीशन का नतीजा ये निकला कि गुजरात में मुस्लिम पॉपुलेशन और भी कम हो गई। आज की डेट में आप देखेंगे तो लेस देन 10% मुस्लिम पॉपुलेशन है गुजरात, मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन। इन ये वो तमाम हालात थे जिसमें जमात इस्लामी हिंद गुजरात को काम करना। इन हालात के साथ में एक और सिचुएशन थी जो गुजरात में जमात को फेस करनी पड़ी, वो ये थी कि गुजरात की हवा में शायद कम्युनलिज्म कुछ ज़्यादा ही है, और ये कम्युनलिज्म एक ऐसा फ्यूल था कि छोटी सी चिंगारी को भी बहुत बड़ी आग में जो है बदल देता था। आप गुजरात की हिस्ट्री में देखेंगे तो हर थोड़े ही साल में आपको कोई ना कोई राइट देखने को मिल जाएगा। 1969 के राइट, छोटा सा वाक्य, एक साधु एक दरगाह में उर्स के दौरान कुछ साधु जो है वहाँ से गुजर रहे थे अपनी गायों के साथ में, और उनके जरिए से कोई एक छोटा सा हादसा हो गया। ये हादसे में मुसलमानों की और हिंदुओं की तुलना में इतनी बढ़ गई कि ये एक बहुत बड़े राइट की शक्ल इख्तियार कर लिया। 1985 में गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन के अगेंस्ट में एक बिल लेकर आई। ये बिल का सपोर्ट करती है अपर कास्ट और इसको अपोज करती है लोअर कास्ट। अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में टेंशन इतना बढ़ जाता है कि ये राइट्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है, एंड अगेन बहुत सा जानी और माली नुकसान होता है। सन 2002 के राइट्स, इन्हें कौन नहीं जानता। गोधरा के साबरमती एक्सप्रेस के एक डब्बे से शुरू होने वाले ये वाकयात इतनी बड़ी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं कि पूरा हिंदुस्तान उसकी जद में आ जाता है। ये अहमदाबाद का एक नरोडा फाटिया का कुआं है जिसमें बहुत सारे लोगों को मार के काट के डाला गया। लेकिन हम यहाँ पे ये हादसा डिस्कस करने के लिए नहीं है, हम जमात की एक्टिविटीज़ और जमात के कामों को डिस्कस करने के लिए आए। तो आइए आपके सामने जमात के गुजरात के एक छोटे से गाँव पांडरवाड़ का ये वाकया शेयर करते हैं। पांडरवाड़ में 2002 के राइट्स के दौरान जमात को खबर मिलती है कि पांडरवाड़ में कुछ इवेंट्स हुए हैं जिसमें मुसलमानों की बस्तियों पर अटैक किया गया। जमात वहाँ पर विजिट करती है तो पता चलता है कि बाकी सब लोग तो फरार हो गए हैं, वहाँ से भाग गए हैं मुसलमान, लेकिन कुछ मुसलमानों को वहाँ के एक हिंदू भाई ने अपने घर में पनाह दी है। जमात के साथी वहाँ पर विजिट करते हैं, उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो मुसलमान यहाँ से पलायन करके चले गए हैं क्या उन्हें वापस लाना चाहिए। वो साथी कहते हैं कि ज़रूर लाना चाहिए, यहाँ उनके घर हैं, उन्हें यहाँ उनकी ज़मीनें हैं, उन्हें यहाँ वापस आना चाहिए। हमारे जिम्मेदार ने पूछा कि हम कैसे वापस लाएं, तो वो साथी ने कहा कि यहाँ पांडरवाड़ की जो मस्जिद है ना, इसे राइटर्स ने आग लगा दी और इस आग की जद में आसपास के कुछ घर भी आ गए। ये जो घर है ना, ये कुछ गरीब हिंदू कारपेंटर्स के घर हैं। उन्होंने कहा कि आप इस मस्जिद को तो रिनोवेट कराएंगे, साथ ही आप इन गरीब हिंदू कारपेंटर्स जो है इनके घरों को भी रिनोवेट कराएंगे। जमात इस्लामी ने सबसे पहले उनके घरों को रिकन्स्ट्रक्ट करवाया, फिर उन कारपेंटर्स को काम दिया इस मस्जिद के रिनोवेशन का, फिर इन्हीं कारपेंटर्स को काम दिया जमात ने उस गांव में जो मुसलमानों की बस्ती को जला दिया गया था उसके रिकन्स्ट्रक्शन का। जब वो बस्ती को रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया गया, जमात ने मुसलमानों को वापस वहाँ पर रिहेबिलिटेट किया, और जब इस मस्जिद के इनॉग्रेशन का टाइम आया तो इस मस्जिद के इनॉग्रेशन के खाने को उस गांव के हिंदू साथियों ने स्पॉन्सर किया और 2000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने खाना खिलाया। वो दिन उस गाँव में किसी जश्न से कम नहीं था। ये हमारी जो किताब है तलातुम, ये जो दास्तान हमें बताती है, ये हमारे सामने उस आयत की अहमियत को बताती है कि अल्लाह ताला जो फरमाता है कि इन्ना माल उसरी यूसरा, बेशक हर परेशानी के साथ आसान है। ऐसे साथियों, ये वो हालात थे जिसमें जमात इस्लामी हिंद गुजरात ने काम किया। अब हम देखते हैं कि जमात ने